अगर आप एक रोइनेट के एक पे संचालक हैं तो आज की इस वीडियो में आपको रोइनेट की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोइनेट की तरफ से जिस चीज़ का आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब ये चीज़ रोइनेट में होने वाली है। बहुत सारी कंपनियाँ इसको लेकर आ चुकी हैं, CSP एक पे संचालक इस पर काम भी कर रहे हैं, बट रोइनेट में ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इस बड़े सवाल का आंसर देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप थंबनेल को देखकर आइडिया अब तक लगा चुके होंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि रोइनेट की तरफ से कि अब बहुत जल्दी आयरिस स्कैनर भी लाइव होने वाला है। अब आप सिर्फ मात्र फिंगर को स्कैन करके ही नहीं, अब आंखों को स्कैन करके भी आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आए दिन फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि बैंक भी अब आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को निकासी को कम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और भी एक आध किसी बैंक ने आधार से निकासी को रोका है, और अब फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस स्टेप को ले लिया है कि अब ज़्यादातर लोगों का, यानी कि 90% लोगों का आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकल रहा है। जैसे ही कोई फिंगर लगाता है वहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता है, जिसकी वजह से सभी APS संचालकों को और उन ग्राहकों को जिनके एरिया में APS संचालक उनके नज़दीक में है, जहाँ पर वो पैसे निकालने के लिए जाते हैं, तो उनको भी इसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और उनके पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बैंकों ने इस समस्या को क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि बैंकों को समस्या हुई है उन फ्रॉड लोगों की वजह से जो अचानक से ग्राहकों के पैसे को गायब कर रहे हैं उनके अकाउंट से, उनके उंगली का फिंगर क्लोन बनाकर पैसे को निकाल लेते हैं किसी भी CSP पॉइंट पर जाकर। तो जब रोइनेट में भी आई स्कैनर को लाइव कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्रॉड का रेशियो कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिंगर का क्लोन बनाकर तो आसानी से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और जब आंखों के द्वारा आई स्कैनर के द्वारा जब पैसे को विड्रॉल किया जाएगा तो वहां पर यह काम जेन्युइन होगा और हो सकता है कि इस तरीके से फ्रॉड आने वाले टाइम में बिल्कुल भी ना हो पाए। तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे रोइनेट के जितने भी APS संचालक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन CSP के यहाँ पर, जिन APS संचालकों के यहाँ पर, जब कोई भी अधिक उम्र का ग्राहक जब भी कोई उनके यहाँ पर पैसे निकालने के लिए आता है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसकी फिंगर बहुत ही परेशानी से आती है। मतलब कितनी ही बार फिंगर को स्कैनर पर लगाना पड़ता है तब जाके उनकी फिंगर स्कैन हो पाती है, और कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिनकी फिंगर स्कैन हो ही नहीं पाती है और उनको फिर मजबूरी में बैंक जाना पड़ता है अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फिंगर ना आने की समस्या भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ग्राहक की, कि अगर आपके पास आई स्कैनर की सुविधा होगी तो कोई भी ग्राहक ऐसा जिसकी फिंगर नहीं आ पा रही है। कभी कभी कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो मजदूर टाइप के होते हैं, जो काम करते हैं अपने हाथों से, हार्डवर्किंग की वजह से उनके स्किन घिस चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है, जिनके फिंगर नहीं आते हैं, तो ऐसे ग्राहकों का भी फिंगर के माध्यम से लेन देन नहीं हो पाता है। लेकिन अब आपकी शॉप से ऐसे ग्राहक वापस नहीं जा पाएंगे जिनके फिंगर नहीं आती है, उन सभी का आप आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे आई स्कैनर के माध्यम से। अभी हम बात करते हैं कि आई स्कैनर अब रोइनेट में कब तक लाइव होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस मंथ में कभी भी रोइनेट की तरफ से ये खुशखबरी आ सकती है कि रोइनेट में अब आई स्कैनर को लाइव कर दिया गया है। आपको और ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में 110% रोइनेट की तरफ से ये अनाउंसमेंट होने वाला है और सर्विस को लाइव भी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ एक आई स्कैनर परचेज करना है आपके सेंटर पर और आपकी कुछ तो टेंशन कम हो जाएंगी। हाँ, ये देखा जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आई स्कैनर से भी पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी APS के माध्यम से फिंगर लगाकर ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब आई स्कैनर के माध्यम से ट्रांजैक्शन जब आप करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट भी हो सकते हैं। यह आने वाले टाइम में देखा जाएगा जब इस सर्विस को रोइनेट की तरफ से लाइव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो जानकारी दी है खासतौर से रोइनेट APS संचालकों के लिए, आई होप आज की अपडेट आपको काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।